मिल चुके हैं आप सभी के आयुष्मान कार्ड, हजारों की संख्याओं में आपके आयुष्मान कार्ड पड़े हैं कूड़े के ढेर में। आपको बता दें कि सेकंड फ्लोर, जी हां, जिला सचिवालय के सेकंड फ्लोर पर ये कार्ड जो है कूड़ेदान में पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कूड़े की तरह जो है आपके आयुष्मान कार्ड पड़े हुए हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को अपना आयुष्मान कार्ड चाहिए तो वो आकर अपना आयुष्मान कार्ड लेकर जा सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि डीसी ऑफिस भी सामने ही है और किस तरीके से जो है कचरा जो है फैलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है कचरा में पड़े हुए हैं आयुष्मान कार्ड। और आपको बता दें कि बरसात का मौसम चला हुआ है, ये भी नहीं देखा गया कि बरसात के मौसम में इन कार्ड्स का, इन बाकी सारे सामानों का क्या हाल हो सकता है। आप देख सकते हैं कि आपके कार्ड जो है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि आयुष्मान कार्ड भी बहुत सारे गीले हो चुके हैं, ये कचरे के ढेर में पड़े हुए हैं। बेसिकली अगर देखा जाए कि किसी भी व्यक्ति को कोई इमरजेंसी है तो उस व्यक्ति तक ये कार्ड पहुंचने काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थे, लेकिन ये कार्ड जो है कचरे के ढेर में पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कचरे की तरह आप सभी की मेहनत से, आप सभी एक से एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में गए होंगे अपने आयुष्मान कार्ड को बनवाने के लिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि आप सभी के आयुष्मान कार्ड जो है वो कूड़े के ढेर में इस तरीके से फेंक दिए गए हैं, जैसे कि आपके अलावा इनकी किसी को भी जरूरत नहीं है। होना ये चाहिए था, बड़ा सवाल ये है कि जब कार्ड बन रहे थे तो इनको क्यों डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया? अगर नहीं किया गया तो किस वजह से नहीं किया गया है, किस कारण से इन कार्ड्स को जो है इस तरह से फेंका गया है, क्या कारण हो सकता है? क्या बचत की जा रही थी किसी चीज की, या फिर कोई और कारण जो है इसमें हो सकता है? क्योंकि आप देख सकते हैं जनता को परेशान करने का एक दूसरा तरीका भी इसको कह सकते हैं कि ये ढूंढ लिया गया है, क्योंकि एक रिक्शा चालक जो है वो ऊपर पहुंचने वाला था, क्योंकि ये सारा सामान जो है शिफ्ट किया जा रहा है, ये नहीं पता है कि कहां पर शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन इस सामान को जो है अब मीडिया को देखने के बाद जो है हटाने का प्रयास जरूर किया जाएगा। अब मीडिया के आने के बाद सामान तो हटा लिया जाएगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि किस तरीके से जिला सचिवालय में ही ये हाल हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कितने सारे कार्यालय डीसी ऑफिस में ही हैं। आप देख सकते हैं कि जिला सचिवालय में सभी तरह के आपको डिपार्टमेंट मिल जाएंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि सभी डिपार्टमेंट अपनी ड्यूटी जो है सही ढंग से जो है निभा भी रहा है और निभा भी नहीं रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से कचरे के ढेर में आप सभी के आयुष्मान कार्ड गिरा दिए गए हैं। अगर आपको जरूरत है अपने आयुष्मान कार्ड को ले जाने की तो आप ले जा सकती हैं सेक्टर 12 में जिला सचिवालय से। कृपा करके ले जाएं, क्योंकि सेकंड फ्लोर से इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं डीसी ऑफिस की, बिल्कुल सटी हुई ये बिल्डिंग है जहां पर आप देख सकते हैं कि सेकंड बिल्डिंग में ही किस तरीके से जो आयुष्मान कार्ड है वो बिखरे पड़े हैं। आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग बड़ी मेहनत से जो है बहुत सारे कार्यालयों के चक्कर काटते हैं कि हमारे आयुष्मान कार्ड बन जाए, ताकि हमारी फैमिली में जितने भी लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं उनको ठीक किया जाए, उनका इलाज किया जाए। हरियाणा सरकार ने बड़ी बड़ी जो नीतियां हैं वो लोगों के लिए बनाई जरूर है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है लोगों तक ये सभी नीतियां जो है पहुंचती नहीं है। आप देख सकते हैं कि पूरे में जो है आयुष्मान कार्ड जो है किस तरीके से जो है फेंक दिया गया है, जैसे इसकी जो है जरूरत नहीं है किसी को। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है सरकारी विभागों में अगर इसी तरीके की कंडीशन आप देखेंगे तो सोच सकते हैं कि किस तरीके से जो है बाकी लोगों के लिए सब कुछ बेनिफिट होने वाला है। यहाँ पर हम जानने का जरूर प्रयास करेंगे सभी अफसरों से कि इस बारे में वो क्या कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिएगा आपके अपने चैनल वॉट्स न्यूज़ पर। मेरे अनुसरण के साथ कैमरामैन प्रवीण के साथ, धन्यवाद।